और ये मैया किसने पान का के थूक दिया भाई साहब इसके सिर पर। कोई बात नहीं है गाइस, अपन लोग चेंज कर लेते हैं हेयर को इसको। अरे भाई साहब चिड़िया का घोंसला बन गया भाई साहब, तो चिड़िया अंडे दे देगी, इसको हटा देते हैं। नॉर्मल वाले हेयर ही अच्छे लग रहे हैं। हाँ इसमें बिल्कुल संस्कारी लग रही है। तो ये व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से प्ले करने जा रहे हैं सर्वाइवल अननाउन बैटल रॉयल गेम, और उसके अंदर अपन लोग पूरे 10 किल करने वाले हैं। आप बात करते और युद्ध में जाने से पहले अपन लोग इस लड़की का थोड़ा श्रृंगार कर लेते हैं, इसका मुंह चेंज कर लेते हैं। अरे यार इसका होठ तो बिल्कुल ही गुब्बारे की तरह फूल गए, तो इसको हटा देते हैं। हाँ यही वाला सही है फेस तो, और कोट पैंट भी पहना देते हैं इसको अच्छे वाले, ये वाला तो ठीक है। ओ भाई साहब इसके पापा का कोट पहन लिया, कोई बात नहीं है अपन लोग चेंज करेंगे, कट स्लीव वाला पहना देते हैं इसको। हाँ भाई साहब इसमें तो बिल्कुल ही हीरोइन लग रही है, लेकिन भाई विंटर के लिए ये तो अच्छा नहीं लग रहा। ओ भाई दोबारा से इसके पापा का कोट पहना दिया है मैंने, कोई बात नहीं है गाइस अपन लोग इसको तो हटा देते हैं। हाँ यही वाला ठीक है भाई, शॉर्ट वाला और पजामा तो इसने पहन ही रखा है, रेड कलर का पहना के देख। अरे यार छपरी लग रही है इसमें तो, बिल्कुल ही छपरी लग रही है, इसको हटा देते हैं। स्कर्ट, हाँ भाई साहब स्कर्ट में बहुत ज़्यादा शानदार लग रही है, ब्लैक पैंट में तो भाई बिल्कुल ही कॉम्बिनेशन जम चुका है। कच्चा है तो छोटा वाला, तो इसको हटा देते हैं, इसको अपन लोग नहीं पहनने वाले, थोड़ी बेइज्जती सी फील होगी, तो अपन लोग इसको बिल्कुल ही स्कर्ट ही पहनाने वाले हैं। मगर क्यों? क्योंकि भाई साहब स्कर्ट में बिल्कुल ही कटरीना की तरह लग रही है, और यहाँ पे कुछ सूज भी है, तो इनको पहना देते हैं अपन लोग। हाँ भाई साहब ये सेकंड वाला अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके स्कर्ट से कलर से भी मैच हो रहा है, तो बिल्कुल ही अच्छा वाला कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। सही बात है, और भी देख लेते हैं अच्छे अच्छे वाले शूज, यहाँ पे लोफर वाले भी है, लेकिन अपन तो भाई इसको ही पहनने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, स्कर्ट के साथ बहुत ही अच्छा मैच कर रहा है। ओ यहाँ पे भाई साहब इसके हेयर तो ब्लैक कलर के हेयर, और ये मैया किसने पान का के थूक दिया भाई साहब इसके सिर पर। कोई बात नहीं है गाइस अपन लोग चेंज कर लेते हैं हेयर को इसको। अरे भाई साहब चिड़िया का घोंसला बन गया भाई साहब, तो चिड़िया अंडे दे देगी, इसको हटा देते हैं। नॉर्मल वाले हेयर ही अच्छे लग रहे हैं। हाँ इसमें बिल्कुल संस्कारी लग रही है। ओ भाई साहब एक खरगोश का मुकाटा कहाँ से आ गया, इसको हटा देते हैं अपन लोग, ये नॉर्मली ठीक है। ओ भाई साहब बिल्कुल ही छोटे बच्चों की 20 रुपए वाली मेले की चश्मा, वही है वहाँ, वही है वही है। ओ भाई साहब ट्रांसपेरेंट चश्मा पहन रखी है फिलहाल, तो हीरोइन लग रही है ये। ओ भाई साहब सल्लू भाई की चश्मा पहन ली इसने। ओ भाई साहब 20 रुपए में मंगल बाजार की जो चश्मा मिलती है ना, तो वो वाली चश्मा है, तो इसी को रहने देता है। यू विल गेट दिस आइटम ओनली यू हैव वॉच द फुल रिवार्ड वीडियो। ओ भाई साहब पूरी मेहनत भाई अपनी धूल में चली गई, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था कि भाई साहब इसके लिए अपने को वीडियो देखना पड़ेगा। तो गाइस छोड़ते हैं और एंटर वाला बटन पे क्लिक करते हैं। ओ भाई साहब ये तो हमारी तरफ वाला, हमारे तरफ का जो वो हाईवे ना, हाईवे तो उसी की तरह दिख रहा है भाई साहब, ये हमारा घर नहीं है गाइस, मजाक कर रहा हूँ। ओ भाई साहब अपन लोग आ चुके हैं बिल्कुल एरोप्लेन के अंदर बैठ चुके हैं, और विंडो वाली सीट भाई साहब मैंने पहले बुक करवा ली थी, इतना धुआं दे रही गाइस। आप अपने मोबाइल को अपने मुंह से थोड़ा दूर कर लो, क्या हुई नहीं तो भाई साहब आपका मुंह काला हो जाएगा इसके धुएं से। और फिलहाल अपन लोगों ने सस्ते स्पाइडरमैन की तरह नीचे की तरफ जंप मार दिया है। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, देख कि तेरी एक्टिंग हो गई मैं तो तेरी फैन। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, और फाइनली अपन लोगों ने कंटेनर के ऊपर जंप मार दिया है, ऊपर वाले कंटेनर के अंदर भी ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं मिला, तो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो सीढ़ियों के ऊपर चलते हैं। वाह शाबाश 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 मेरी शेरनी शाबाश। अरे अरे गाइस कोई बात नहीं है, गाइस कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है, दोबारा से चढ़ना, अच्छा आराम से हम फर्स्ट हाँ आराम से, ओ बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा शानदार चढ़ दिए भाई साहब। अरे गाइस कच्चा फस गया, कच्चा नहीं फट जाए, कच्चा फट गया ना तो भाई बिल्कुल ही मार के पड़ता बना दूंगा तेरा, बिल्कुल ही अच्छे से चढ़ा कर, बिल्कुल ही कच्चा फाड़ देगा। तो मंगल बाजार से 50 रुपए में नया लेकर आया हूँ। अच्छा। और गाइस अपने को यहाँ पे मिल चुकी है शॉर्ट गन, तो जल्दी से उसको उठा लेते हैं, शायद इसको कंटेनर में भी कूदना नहीं आता। कोई बात नहीं है गाइस अपन लोग सब सिखा देंगे इसको। तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारी जो गनी होती है उसकी एमओ मिल चुकी है, यहाँ पे बिल्कुल ही ऑटो गन भी मिल चुकी है, लेकिन भाई इसकी गोलियां बिल्कुल ही किस्तों में चलती है। और यहाँ पे अपने को AK मिल चुकी है, और यहाँ पे क्या है ये टोमी, तो टोमी को छोड़ते हैं, अपन लोग AK मिल चुकी है, और जल्दी से चलते हैं बंदों का सुअर बनने के लिए। और यहाँ पे भाई मेरे को एक बंदा दिख चुका है, अरे बाबा ये बोल रहे हैं भाई साहब उर्रे बाबा, तो मैंने बोला, मैंने कहा ततास्तु बालक ततास्तु, और चलते हैं नेक्स्ट बंदे को ढूंढने के लिए। मेरे को मैप के अंदर भाई साहब सामने की तरफ बंदा दिख रहा है, लेकिन भाई बंदा अभी मेरे को दिखाई नहीं दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, अपनी चील जैसी निगाहों से बंदा बच के कहीं पे भी नहीं जाने वाला, जहाँ पे भी जाएगा अपन लोग उसको घुस घुस के पटक पटक के लेटा लेटा कर मारेंगे साले को। फिलहाल मेरे को बंदा अभी, ओ भाई साहब दिख गया, रुक गया बेटा रुक गया,
साला बिल्कुल ही अपने कपड़ों की कॉपी कर रखी थी साला। 50 रुपए में मंगल बाजार से मैं पजामा लेके आया था और वही वाला पजामा लेके आ गया भाई सब सेम टू सेम। और एक और लड़की आ चुकी है जिसने भाई साहब अपन ने जो पहले स्कर्ट पहनी थी ना तो वो वाली स्कर्ट पहन रखी थी। तो भाई साहब इसकी स्कर्ट को अपन लोग नहीं छीन सकते क्या? कोई बात नहीं है गाइज, अपन लोग छीनने में क्योंकि बहुत ही ज्यादा मायर हूँ भाई साहब मैं। चलते हैं अब नेक्स्ट बंदे को ढूंढने के लिए, कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आस पास ही बंदा दिखा रहा है तो मेरे को उसका लपेटना पड़ेगा ना मेरी जान। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ। आराम से चलते हैं, बिल्कुल ही फुट स्टेप बिल्कुल भी नहीं दे। और रुक भाग तो कहीं साला मैराथन की दौड़ दौड़ रहे जो इतना भाग रहे हैं साला, डट जाए यहीं पे, मरना तो है तेरे को मेरे हाथ से। और एक और लड़की आ चुकी है स्कर्ट पहन के और उसका भी मैंने एक ही बार में स्वर भर दिया है और लेवल 3 का एक भाई साहब, लेवल 3 का हेलमेट सब कुछ लगा रखा है सालों ने। तो बिल्कुल ही अपन लोग तो बिना हेलमेट के घूम रहे हैं तो ऐसे थोड़े ना चलेगा। तो लेवल 3 का हेलमेट मैंने ले लिया है और सामने की तरफ आसपास ही मेरे को बोल रहे भाई पूरे भैया कंटेनर के ऊपर है बंदा। रुक जा बेटे तेरा भी बिल्कुल कच्चा पाड़ता हूँ एक ही बार में। तो इसको फाइनली मैंने लपेट दिया है और इसका नाम था ब्रांडेड एमिना, जाने का नाम था, पढ़ने में नहीं आया गाइस। कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग नेक्स्ट बंदे को ढूंढते हैं। ओ कहाँ पे यहाँ पे तो भाई बिल्कुल ही हेल्थ गेट है तो है। अरे 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 गाइस गोलियां कौन मार रहा है? अरे 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 ए भाई ए कहाँ पे रुक, ए भाई मारेगा क्या भाई। गाइस मेरे को एक बार बंदा दिख गया ना साले को सुअर भर दूंगा मार के। तो फिलहाल तो अपन लोग कुछ गोली दवाई मरहम पट्टी लगाते थे और उसके बाद चलते। अरे रुक जा चाले छपरी साले, तू मारा था मेरे को पता नहीं था। अरे गाइस गोलियां चल रही है। अरे भाई मत मारो भाई, मजाक कर रहा। ओ भाई कंटेनर के ऊपर ही बंदा मेरे को दिख चुका है। रुक जा तेरे हेड में गोलियां भरता हूँ साला, ऑपरेशन से भी नहीं निकाल पाएंगे डॉक्टर, इतने खतरनाक वाली गोलियां भरूंगा तेरे। और फाइनली बंदे को मैंने कंटेनर पे लेटा कर पटक पटक के मार दिया है और यहाँ पे अपन लोग खेत भर लेते हैं। नहीं तो भाई बंदा अपना कभी भी पार निकाल सकता है, कभी भी अपना सुअर भर सकता है। तो जल्दी से चलते हैं और बंदों से तगड़ी वाली फाइट लेते हैं। कितने किलो है भाई साहब? 9 किलो अपने हो चुके हैं। रुक जा बेटे, तेरे को भी मैं मारूंगा यमराज बन के। मैं आ चुका हूँ तेरे प्राणों को हरने के लिए और इसको भी मैंने लपेट दिया। ए भाई गोली माई भाई, रुक जा बेटे रुक जा, तू हल्के में ले रहा है मेरे को, तेरे को पता नहीं है कि प्रो बंदे क्या चीज है। रुक जा बेटे, मर गया। प्रो नहीं होगा इसमें तो, मैं तो नूब में तो मजाक कर रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू।